हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित। माय नेम इज शालू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपने बहुत ही डिफरेंट देख रहे होंगे आप, क्योंकि आज भाभी मिसिंग है। डेफिनेटली हम बता देते हैं, इस चैनल पे आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। हम तीन लोग जो रिएक्शन देते हैं, मेरी सिस्टर है, मैं हूँ और हमारी भाभी, हम तीनों का ये चैनल है पर्सनल, और हम तीनों ही हमेशा से रेगुलर वीडियो लेके आते हैं। बट आज फर्स्ट टाइम इसलिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि भाभी की थोड़ी सी तबीयत खराब है। जैसे कि आप समझ रहे हो कि कोविड वगैरह तो नहीं है, वो तो हमने देख लिया है, बट खांसी जुकाम है नॉर्मल, क्योंकि वैक्सीनेटेड है हम सब। हाँ, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है उन्हें, और उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, भाभी को थोड़ा आराम देते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि कल भी वीडियो नहीं आई है, इसी हमारा रिएक्शन दोनों का कैसा। हाँ, इसी वजह से नहीं आई है, क्योंकि हमने सोचा कि चलो भाभी की जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब बना लेंगे, क्योंकि वो मिस हो गया था। और फिर हमने सोचा कि चलो आप फिर ज़्यादा लंबे समय तक आपसे आपको मतलब ऐसे भी नहीं रख सकते ना कि वीडियो आ ही नहीं रही है चैनल पे, काफ़ी लंबे समय हो जाएगा अगर एक दो दिन हो जाएंगे तो इसीलिए हम आज स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, जो हम बना रहे हैं बस। तो आप लोग देखिए, और हम आज ब्रो एंड सिस रिएक्शन कर रहे हैं। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे ऐसे, बट हमारा आज फर्स्ट टाइम है ब्रो सिस रिएक्शन। तो व्हेन माय डैड किक्ड मी आउट बाय मौलाना तारिक, ये जामिल साहब की जो वीडियो है आज की। बेसिकली हम इस्लामिक वीडियोज़ पर ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, आपको पता है। तो आज थोड़ी स्पेशल वीडियो है। मे बी मौलाना तारिक जामिल ने अपना वो वाला किस्सा बताया है जब उनके डैड ने उनको किक्ड आउट मार दिया था, मेरे हिसाब से। आई डोंट नो उनका किस्सा है या किसी और की स्टोरी बता रहे हैं। बाकी हम वीडियो को देखते हैं क्या है वीडियो में, और फिर आपसे बातें करते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, फर्स्ट टाइम इस तरीके से हम रिएक्शन दे रहे हैं। और भाभी जैसी ठीक हो जाएगी वो भी आ जाएगी नॉर्मल की तरह, जैसे हम पहले वीडियो बनाते थे ऐसे ही फ्रेम में दोबारा वापस हो जाएंगे हम, ठीक है। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बताना हमें कमेंट करके कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। एक सहाबी आते हैं, या रसूलुल्लाह जिना हो गया है, मुझे संगसार करें, यानी पत्थर मार मार के मुझे कत्ल किया जाए। है वो मुंह से फरमा रहे हैं और आप यूं मुंह फेर रहे हैं, जाओ जाओ कोई नहीं किया, वो आ गया, मैंने किया है, जाओ जाओ कोई नहीं किया, वो फिर इधर आया, जी मैंने किया है, अब जाओ जाओ कोई नहीं किया, वो फिर इधर आया, मैंने किया है। चार दफा हो गया, या चार गवाह हो या चार दफा शहादत हो, चार दफा इकरार हो, तो फिर आपने उसकी जान बचाना चाहिए। ओ भाई ये नशे में तो नहीं, कोई एक आदमी कहता नशे में तो आप उठा देते, कहा जी नहीं नहीं नशे में नहीं, उफ ये भी ना मसला हल हुआ, तो आपने एक और रास्ता इख्तियार फरमाया। ओ भाई ये पागल तो नहीं, कोई एक आदमी कहता पागल है तो आप उठा देते, कहा जी नहीं पागल नहीं है, चलो अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। इन्होंने अबू बकर से कहा मुझसे गुनाह हुआ है, कर तौबा कर चुप कर, फिर करार नहीं आया। उमर से कहा मुझसे गुनाह हुआ है, उनका तौबा कर चुप कर, फिर नहीं अंदर में इत्मीनान। साबित बिन हज्जाल के पास गए, ये हो गया, कह जाओ अल्लाह के नबी को बताओ, बताया तो ये हो गया, हद लगी तो आपने साबित को गिला दिया, ना भेजता मेरे पास, चोर का हाथ कटा, आप रोने लगे, अरे ओ कोई ऐसा मेहरबान पहले मुझे दिखा दो, किसकी साथ बगावत की हुई है, किससे टक्कर ली हुई है, मैं तो दीन सीखना चाहता था, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। किसी और की स्टोरी है, मैं कोई चोर डाकू बनने नहीं जा रहा था। सही बात है यार, लेकिन माँ बाप से भी ख्वाहिशात टकराए तो वो निकाल देते हैं। 23 नवंबर बरोज हफ्ता 1972 सुबह के 9 बजे मेरे दिल पर नक्श है, 18 साल की उम्र में बाप घर से निकाल दे, निकल जाओ तुम मौलवी बनना है तो मेरे घर ही, जो निकल जाओ। मेरा नबी भी क़यामत के दिन कह दे निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जिना के अड्डे चला के आए हो, सूद के अड्डे चला के आए हो, शराबों की दुकानें चला के आए हो, झूठ फ्रॉड के कारोबार करके आए हो, निकल जाओ। नहीं 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 नहीं,
सॉरी इंसानियत, आदम से लेकर ईसा अलैहि सलाम नबी कहेंगे या रब नफ्सी नफ्सी, या रब नफ्सी नफ्सी, या रब नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह हमारी जान बचा। इब्राहिम अलैहि सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं नहीं किसी का सवाल करता, मेरी जान बचा। ईसा अलैहि सलाम फरमाएंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। तो आम इंसानों का क्या हाल होगा? नफ्सी नफ्सी नफ्सी, एक आवाज है या रब उम्मती उम्मती, एक आवाज आई या रब उम्मती उम्मती। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन उम्मत कह रहा है? और तो मां नहीं पूछती, नबी नहीं पूछ रहे, ये कौन है? क्या देखेंगे कि मेरे तेरे नबी, कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठे हुए, झोली फैली हुई, आंसू बह रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत? जुनैद बगदादी जैसे? नहीं नहीं, मेरे तेरे जैसे काले मुंह वाले, जिन्होंने सारी जिंदगी फुल बगावत की अल्लाह के नबी से, उनके लिए आंसू बह रहा है, मेरी उम्मत। ओ मेरे भाइयों, कुत्ते जितने वफादार तो बन जाए, जो मालिक की रोटी खाता है दर नहीं छोड़ता है। फिर वो वेरी नाइस स्टोरी यार, बहुत अच्छी। हाँ, छोटा सा बयान था, मतलब बट इमोशनल है ये भी, जैसे रोने लग गए। मतलब उम्मत क्या है, मतलब हमें जितना समझ में आया है कि आप कोई, मतलब कयामत के दिन, और जैसे कि कव डाउट, अगर आप किसी अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो आप इस्लाम सीखना चाहते हो या इस्लामिक वीडियोस, जैसे कि जो भी है, मतलब जैसे कि इन्होंने कहा मौलवी बनना चाहते हो तो हमारे घर से बात चल, जो बाप ने निकाल दिया वो वाला सीन कुछ बताया है कि कब उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, तो वो वाला सीन आई डोंट नो, ये खुद के ऊपर कहा है उन्होंने, अपनी स्टोरी बताई है या फिर एक स्टोरी बताई है, मतलब हाँ, और या फिर जब, मतलब इन्होंने एक और बात की है, जब हम मरने के बाद मतलब जाएंगे भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, तो उस वक्त क्या होगा और उस वक्त कौन कौन क्या क्या जान बख्शेगा, वो वाला सीन भी बताया समझाया। लेकिन एक नबी नबी नहीं, हाँ सैड सैड सी थी और बहुत लंबी नहीं थी, इसलिए खुल के नहीं है इसके अंदर, छोटी सी स्टोरी थी। हमें तो बहुत अच्छी लगी यार, आप सबको और कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जो भी है वेरी वेरी इमोशनल है, आप लोग कमेंट करना प्लीज कैसी लगी आपको वीडियो, बट फिलहाल और शेयर भी कर देना वीडियो को प्लीज, और लाइक कर देना, एंड थैंक यू आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी, और भाभी जैसे ही ठीक हो जाएगी हम जरूर वो वापस आ जाएगी वीडियो में। बाकी आप लोग प्रे करो प्लीज कि भाभी की तबीयत ठीक हो जाए, वैसे ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, सिंपल खांसी जुकाम है और बुखार भी हो गया था कल, तो नॉर्मल फीवर है, तो वो हो जाएगा और बाकी आप लोग बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।